ज्वाइंट फैमिली न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ ताया का बेटा और मैं हूँ फूफो की बेटी और हम रखते हैं खानदान के हर फर्ज की खबर। चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जराए से मालूम हुआ है कि इस महीने बिजली का बिल सबसे छोटे वाले चाचू को अदा करना है, जिसकी वजह से उनकी अपनी बेगम से नोकझोंक भी हुई है। छोटी चाची का कहना है कि वो बिल अदा क्यों करें, उनके कमरे में ना तो एसी है और पंखा भी बिला वजह नहीं चलता। आइए छोटी चाची से बात करते हैं। इस वक्त हमारी रिपोर्टर शकूरन मासी उनके पास मौजूद है। जी शकूरन, क्या कहना है छोटी चाची का? इस वक्त मौजूद है हम चाची के साथ उनके किचन में और चाची बना रही है अपने हस्बैंड के लिए खाना। आइए जानते हैं माजरा क्या है। जी चाची, घर में सबसे छोटे वाले होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन हमें मिले, वो भी एक कमरे वाला। जी और कोई शिकायत? घर में सबसे कम तनख्वाह इनकी है मगर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट ये करते। बड़े भाई का क्या काम है, इस बिल की लास्ट डेट है, अब भर देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया शकूरन मासी आपका। और अभी ताजा तरीन इतला आई है कि फूफो ने अपने भतीजे को सिगरेट पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे अपने रिपोर्टर चौकीदार बाबा से। जी चौकीदार बाबा, क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी नाजरी, ये वो लड़का है जो कंबाइन स्टडी का बहाना करके अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था। फूफो जब दही मंगवाने के लिए कमरे में गया है तो उन्होंने सिगरेट का धुआं महसूस किया है। जी ये बताइए, क्या सिगरेट हाथ में देखी गई है? नहीं जी, सिगरेट हाथ में नहीं देखा गया, इसीलिए लड़का लोग कह रहे हैं कि हम तो बारबेक्यू का प्रैक्टिस कर रहा था। जबकि पुप्पो का कहना है कि वो गोला कबाब के धुएं में और सिगरेट के धुएं में फर्क कर सकता है। जी तो आगे क्या लाया हमला अख्तियार किया जा रहा है? क्या लड़के की शादी करने की तजवीज पेश की गई है या उसे कोई और सजा दी जाएगी? नहीं जी, शादी का तो कोई बात नहीं हुआ। दादा का कहना है कि इसको दुबई भेज दिया जाए, जबकि लड़के का अम्मी का कहना है कि इसका एक मामू ऑस्ट्रेलिया में है, इसे वहाँ भी भेजा जा सकता है। जी ये बताइए चौकीदार बाबा, लड़के का क्या कहना है इस सूरत हाल पे? वो लड़के का कहना है जी कि मैं पढ़ाई छोड़ के स्टार्टअप करना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ के मेरे बड़ों ने क्या उखाड़ लिया है जो मैं उखाड़ लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौकीदार बाबा आपका। वो सुने सुने भाईजान, वो हमारा अब तनख्वाह अभी तक नहीं दिया है, उसके लिए कुछ हेलो लगता है नाजरीन के हमारा वास्ता मुनकता हो गया है चौकीदार बाबा से। अब एक नजर स्पोर्ट्स न्यूज पर। कल रात भाभियों के बीच किसका बच्चा शार पे कंपटीशन में नक्के हुआ। शेक हैंड करो कंपटीशन में मछली भाभी की 2 साल बेटी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। किसकी साड़ी सबसे प्यारी? बड़ी भाभी बाजी जीत गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि साड़ी उनकी अपनी नहीं थी बल्कि अपनी बहन से मांग कर लाई थी, इसलिए उन पर मैच फिक्सिंग का केस दायर किया गया है। और अब बारी है तेज तेज न्यूज। बड़े भाई की बेटी करीम में आगे बैठ कर आती है। जरा से मालूम हुआ है कि बॉयफ्रेंड का नाम सी वाला नहीं के वाला करीम है। बड़े भैया ने कर दिया है अपनी ससुराल की दावत का ऐलान, जिस पर छोटे भैया भी अब अपनी ससुराल की दावत का सोच रहे हैं। घर की फाइल घर से ही गायब है, जिसकी तलाश के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो हर कमरे की तलाशी लेगी। इस पर छोटी भाभी का शदीद एहतजाज। घर में बैठी कुंवारी फूफो ने भाइयों से बर्थडे पे पिज्जा खाने, नए सूट और नए सेट की डिमांड कर दी है, जिस पर भाभियों में तश्वीश पाई जाती है। बकरा ईद पर गाय हिस्सा मिलाकर लाई जाएगी या सब अपना अपना जानवर लाएंगे? इस सिलसिले में JIT का इजलास कल ड्राइंग रूम में मुनक्किद होगा। बड़ी भाभी अपने पर्स में बर्गर और ब्रोच छुपाते पकड़ी गयी। उनका कहना है कि छुपाना जरूरी है, नहीं तो लोग मांग लेते हैं। बूढ़े अम्मा अब्बा ने पूरा घर बनवाया लेकिन उनके लिए ही कोई कमरा नहीं, दोनों ड्राइंग रूम में रहने पर मजबूर। घर के बच्चों का घर के खिलौनों पर भड्डा मामला, दादा दादी की अदालत में ले जाने पर गौर। और नाजरीन अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि ताया ने अपने बेटे की शादी फूफो की बेटी से करवाने का फैसला कर लिया। आसिम भाई, छोटी बहन है मेरी।